अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एफ जी ग्रामर स्कूल क्लास 4। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 9, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रबिंग मटेरियल्स स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 73 पे। रबिंग मटेरियल्स टुगेदर प्रोड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रब करते हैं किसी भी मटेरियल को एक दूसरे के साथ तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटम। जितनी भी अर्थ पे चीज़ें बनी हुई हैं सब एटम से बनी हुई हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो इर्द गिर्द जो घूम रहे होते हैं पार्टिकल्स, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफोर एटम्स आर न्यूट्रल। इसीलिए एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। व्हेन वी रब अ प्लास्टिक रूलर विद अ पीस ऑफ क्लोथ। आप लोगों ने एक प्लास्टिक का रूलर है, स्केल ले लिया, उसको रब किया एक कपड़े से, द रूलर पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोथ, दे दिस गिव इट्स अ नेगेटिव चार्ज। द रूलर जो है वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को कपड़े में और इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। द क्लोथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। मटेरियल दैट गेट गेन इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, मटेरियल दैट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। मटेरियल जो है वो जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसके नेगेटिव चार्ज होते हैं और जब लॉस करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली जो नहीं हरकत करती है, मूव नहीं करती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट स्टेज इन वन प्लेस, ये जो है एक जगह ही रहती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय रबिंग मटेरियल टुगेदर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो रबिंग मतलब घिसने वाले मटेरियल को एक दूसरे से। रबिंग गिव्स द मटेरियल्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। रबिंग जो होती है, घिस रहे होते हैं आप दो मटेरियल्स को तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विद अट्रैक्ट और पुल अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम चार्ज विल रिपेल और पुश ईच अदर। इसके बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा देती हूँ। इसके बारे में ये होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज वाले प्लस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो प्लस के, एक तरफ प्लस के पार्टिकल्स हैं, एक तरफ चार्ज हैं, एक तरफ ही दूसरी जगह भी आपके पास प्लस के ही अगर चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक जगह प्लस के चार्ज हैं और एक जगह माइनस के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने फ्री क्लास में भी आप लोगों ने ये चीज़ समझी हुई है कि दो पार्टिकल्स अगर हैं तो अगर एक जगह प्लस के हैं और एक जगह माइनस के हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों एक सेम साइन रिपेल ईच अदर, अपोजिट साइंस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक यही था। अब हमारे टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। चार्ज ऑब्जेक्ट विद अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो खींचता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे रबर बलून विल बिकम चार्ज। अगर रबर बलून है आपके पास, ये दिखाया इन्होंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए, वो आपके पास चार्ज है तो इफ़ इट इज़ रब अगेंस्ट अ वुलन शर्ट इट विल बी स्टिक टू अ वॉल। व्हेन ब्रॉट क्लोज टू इट अ बॉडी कैन बी टेस्टेड फॉर अ चार्ज इन द लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है एक रबर का बलून है तो वो चार्ज है। आप लोगों ने उसको रब किया एक वुलन शर्ट से, ऊनी शर्ट से, आपने देखा कि वो वॉल की तरह स्टिक हो गया है। When brought to close it, a body can be tested for a charge in the laboratory. The body को आपने टेस्ट करने के लिए लेबॉर्ट्री भेजा तो नॉन इंस्ट्रूमेंट के लिए इस इस्तेमाल किया जो कि कहलाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ तक हमने किया, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पर समझेंगे। व्हाट्स मीनिंग, पॉजिटिव चार्ज मर्सिडिज चार्ज, पाथवे रास्ता, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, फ्लो बहना, वायर तार, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर,
Number one, material that allow an electrical charge to pass along them are called conductor. Material that do not allow an electrical charge to pass along them are called insulator. In conductors, some electrons are not very tightly held to their atoms. Insulator, the electron are all tightly held to all the atoms. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टाइटल बनेगा, इसके बाद आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग करनी है, देन आप लोगों ने डिफरेंस करना है। यहाँ तक आप लोगों को मैंने काम समझा दिया, ये चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग के थोड़े बहुत समझ में नहीं आएगा ये, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। आप लोगों ने डायरेक्ट चैप्टर का टाइटल बनाना है, यूनिट नंबर 9, वर्ड्स मीनिंग एंड देन डिफरेंस बिटवीन। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे का काम क्वेश्चन आंसर और उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।